चीवियर्स वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट ऑप्शंस फॉर डेंटिस्ट एंड डॉक्टर साहब जो हैं हमें खुल खुल के असलियतें बता रहे हैं जो कि आई थिंक हर डेंटिस्ट को पता होनी चाहिए। ये प्रोग्राम करी हम उनके लिए रहे कि उनको समझ में आ जाए कि आगे उनके लिए क्या है। वो परेशान हो के कभी उसके पास भाग रहे हैं, कभी उधर उसके पास भाग रहे हैं, तो इतना उधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े। आप बस एक प्रोग्राम देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ हम अब क्लिनिकल की बात कर रहे थे और अभी आपने बताया कि वहाँ पे इस तरह है। अभी हम लोग आते हैं कनाडा एंड यूएस पे, वहाँ पे हमारी बात हुई कि स्टेट बोर्ड्स हैं, ये बोर्ड्स हैं, 3 साल की रिविजन है, 3 साल के हैं, तो ये तो बड़ा लंबा काम हो गया शाहरुख। ये तो है, अब बहुत कॉस्टली कॉस्टली एक्सट्रीमली एटलीस्ट $50,000 फॉर एन ईयर, यू नीड अ फी ऑफ दैट। लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट लोन्स हैं, इफ़ यू हैव पीआर तो आपको पीआर मतलब परमानेंट रेजिडेंस है वहाँ की, तो यू कैन गेट इट ईजीली। वरना थोड़ा मुश्किल होता है टू गेट लोन्स, लेकिन इंग्लैंड के मुकाबले में यूएस एंड कनाडा आपको लोन्स आसानी से मिल जाते हैं फॉर योर स्टडीज। यूएस एंड कनाडा आपको लोन आसानी, लेकिन कनाडा में प्रॉब्लम्स ये हैं कि कनाडा में ऑप्शंस बहुत कम हैं बिकॉज लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं और पॉपुलेशन भी उनकी छोटी है, तो they don't want so much people. Exactly. अभी आपको पता है रिसेंटली एक बूम आया हुआ था, आया हुआ है बल्कि अभी भी, इमिग्रेटिंग डेंटिस्ट टू ऑस्ट्रेलिया। यस, ठीक है। अब वो डेंटिस्ट इमिग्रेट तो हो रहे हैं, मतलब यहाँ से अपनी इमिग्रेशन करा के तो स्किल बेसिस पे चले जाते हैं, बट वहाँ जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकता। सही बात, राइट। वहाँ जाके प्रैक्टिस करने के लिए भी उनको यही सारा कुछ करना पड़ेगा। उनके भी अपने एग्जाम्स हैं, ADC के अपने एग्जाम्स हैं, ऑस्ट्रेलियन डेंटल काउंसिल के। नहीं नहीं, मैं वहाँ की कनाडा की बात, अरे कनाडा की बात करी, उनका भी इसी तरह नेशनल बोर्ड सिस्टम है आपको। हाँ, तो मतलब यू कैन नॉट प्रैक्टिस ना, प्रैक्टिस तो अंटिल यू आर डन विद योर लाइसेंसिंग, और लाइसेंसिंग इज प्रीटी एक्सपेंसिव, बट जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं दे कैन इजीली गो, राइट। वहाँ पे रहना खाना पीना, अगेन अकोमोडेशन यू हैव टू कवर योरसेल्फ डिपेंडिंग अपॉन योरसेल्फ, क्या आप क्या कैसे हाउ इज योर लिविंग, क्या आप की स्पेंडिंग कितनी है, कि भाई आप को पार्टी करनी है या फिर आपको घर में बिल्कुल रहना है। नहीं, इंसान है, बाहर तो जाता है, ठीक है, पार्टी ना करें बट बाहर तो जाता है ना, यू नो, घूमता फिरता तो है। अब एक जगह बंद होकर रहेगा तो घरों खानदान से दूर है, दूसरा एक जगह बंद होकर रह रहा है तो वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता किसी भी इंसान के, लिविंग ह्यूमन के लिए या सोशल एनिमल्स। अच्छा जी, उस चीज़ को भी चलो साइड में डालो, हो गया, ये ऑप्शन भी क्लियर होगा। अब हम आते हैं थोड़ी सी स्वीडन फिनलैंड इन तरफ, यहाँ क्या ऑप्शंस हैं? यहाँ पे लैंग्वेज का एक सबसे बड़ा बैरियर, बहुत बड़ा बैरियर है। यू हैव टू गो फॉर देयर लैंग्वेज कोर्सेज, स्वीडिश उनकी अपनी लैंग्वेज है, आप पहले आपको वो लर्न करनी पड़ेगी, यू कैन नॉट डील विद पेशेंट्स ओवर देयर अगर आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती, लोकल लैंग्वेज। और वहाँ वो लोग इतने स्ट्रिक्ट हैं, द वे वी कंसीडर इंग्लिश इज अ यू नो वेरी प्राइमरी लैंग्वेज, हर एक को आनी चाहिए, इज द वे दे आर लाइक प्रोबब्ली दे डोंट नो इंग्लिश, उनको आती नहीं इंग्लिश, बहुत कम लोगों को आती है। वहाँ पे आप उनको उनकी ही नेशनल लैंग्वेज में आपको उनसे बात करनी होती है, राइट? तो नहीं आती तो ये स्टैंडिंग नो है। यस, फिर क्या होता है, फिर क्या फ्री होता है? लेकिन उनके पास स्टडीज फ्री है, स्टडीज फ्री थी, अब नहीं है वहाँ पे भी ना, यू हैव टू पे ओवर देयर। लेकिन बेटर देन इंग्लैंड, क्या पेमेंट्स है, कितनी पेमेंट्स है, कितना है, मतलब लोअर देन इंग्लैंड, मुझे सही पता नहीं है, लेकिन इंग्लैंड से कनाडा ऑस्ट्रेलिया, हाँ मतलब एग्जैक्टली एग्जैक्ट कॉस्ट तो आपको कोट करके नहीं बता सकते, लेकिन इट्स चीपर देन इंग्लैंड, चीपर देन इंग्लैंड, डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, फिर अगर हम उसको छोड़ के एशियन साइड पे आ गए, यहाँ पर आ गए, हांगकांग पे आ गए, सिंगापुर पे आ गए, मलेशिया पे आ गए, यहाँ के ऑप्शंस हैं? यहाँ के बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, दीज आर वेरी गुड यूनिवर्सिटीज, आई थिंक पीपल शुड गो ओवर देयर। लोग अक्सर प्रेफर नहीं करते, लोग कहते हैं हमें यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है, दे शुड गो ओवर देयर। एशिया पैसिफिक रीजन जो है, मतलब इट्स अ मतलब बूम वाला रीजन है, और यहाँ से अभी जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हो रहे हैं दे आर गोइंग वेरी वेल, और इनकी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग तेज़ी से बढ़ रही है, एंड दे आर कमिंग मतलब टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में वो लोग आ गए, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में वो लोग आ गए। Yes. क्या बेटर यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे? यू कैन ज्वाइन NUS, NUS के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया है, NUS इज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर यस इनकी है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया मलेशिया है कुआलालंपुर में, और इसके अलावा जो है आपके यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है। ये बहुत अच्छे ऑप्शन हैं तीनों ना, दे आल्सो हैविंग क्लिनिकल प्रोग्राम्स एंड नॉन क्लिनिकल प्रोग्राम्स। हाउ एक्सपेंसिव आर दे They are expensive, but they are better option than UK or England. They are better option. इसके बाद आपके पास जो degree है वो worldwide recognized होती है। Yes,
इट्स वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड डिग्री. वहां पे पीआरशिप का क्या है? पीआरशिप का क्या है? पीआर रेजिडेंस वो आपको इतनी आसानी से वहाँ नहीं मिलती. हर किसी का अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं कि आपको उनके कुछ रेगुलेशंस क्लियर करने होते हैं. यू शुड हैव अ बिजनेस ओवर देयर और आइदर यू शुड बी मैरिड ओवर देयर और एनीथिंग लाइक दैट. तो आपको पीआर ऑप्शंस होते हैं, परमानेंट रेजिडेंस. अदरवाइज नहीं है. अदरवाइज नहीं. ठीक है. ओके तो चलिए ये ऑप्शंस आ गए. अब यहाँ पे क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल दोनों तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं. यस. ठीक है. ड्यूरेशंस क्या है? ड्यूरेशंस क्या हैं इनका? जो मिनिमम प्रोग्राम्स हैं वो ऑफ अराउंड 2 इयर्स हैं नॉन क्लिनिकल प्रोग्राम्स, और जो इनके क्लिनिकल प्रोग्राम्स हैं वो 4 इयर्स प्रोग्राम्स हैं. 3 इयर्स एंड 4 इयर्स प्रोग्राम्स. एमडीएस एंड एम मास्टर्स इन क्लिनिकल एमक्लिनेंट. यस. एम क्लिनडेंट कहते हैं वैसे हम उनको. एम डी एस एंड एम क्लिनडेंट जो हैं वो उनके मास्टर्स हैं क्लिनिकल, जो कि ठीक है एक्सपेंसिव है बट दे वर्थ इट. यस. वंस यू आर डन विद इट तो यू हैव अ लॉट ऑफ मनी. You get a lot of money. You get paid very well. अच्छा, you get paid well. अच्छा, when you're done with it, मतलब आपको पैसे earning. अच्छा, but अगर यहाँ से एक student जाता है जो इतना affording नहीं है, तो फिर वो किस तरह जाए और क्या करे? वहाँ कोई, वहाँ student loan है, वहाँ accommodation क्या है, किस तरह का scene है? Student loans हैं, ज़ाहिर सबको तो नहीं मिलते हैं. Student loans options हैं आपके पास वहाँ पे available and मिल भी जाते हैं. स्टूडेंट लोन कैसे मिलते हैं? स्टूडेंट लोन्स आपको अप्लाई करना पड़ता है इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली सो वेल. लेकिन वंस योर एडमिशन इज डन, ये बाद की चीज़ें. यू हैव टू पे फर्स्ट सेमेस्टर, तो यू हैव टू पे ओवर देयर एज वेल. ठीक है. फिर उसके बाद की ये चीज़ें हैं कि आपको स्टूडेंट लोन्स आप अप्लाई करें, स्टूडेंट लोन्स करें. अकोमोडेशन का फिर ये कि मिनिमम यू हैव टू स्पेंड $1,000 to $1,500 पर मंथ. $1,000 to $1,500 सिंगापुर का मैं बता. अच्छा, ओके, ऑलराइट. और मलेशिया थोड़ा सा सस्ता है, थोड़ा सा चीपर है. उधर आप 1,500 ringgits हो जाते हैं उनके. दैट मींस अराउंड 700 to $1,000. $700 to $1,000 शेयरिंग बेस पे या अकेले आप जैसे भी कर सकते हैं. ओके, दैट्स नाइस, दैट्स वेरी गुड. ओके, बट ये सारे ऑप्शंस करने के बाद आपके पास ऐसी डिग्री आ जाती है कि आप स्टेबल हो सकते हैं. हाँ जी, बिल्कुल. फिर आपके पास यूनिवर्सिटीज़ में ऑप्शन आते हैं कि आप अप्लाई करें. यस, यू कैन गो जॉइन आफ्टर यू हैव डन विद योर मास्टर्स. आप उनके पीएचडी प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं. वो आपको पीएचडी ऑफर करते हैं खुद, बल्कि यू गेट फुल फ्लैश स्कॉलरशिप्स ओवर देयर. अच्छा, माशाल्लाह. पीएचडीज के लिए इफ़ यू आर वेरी गुड एट योर मास्टर्स तो फिर वो आपको स्कॉलरशिप ऑफर करेंगे. ऐसे नहीं हर एक को ऑफर कर देते. तो प्रॉब्ली दे प्रेफर देयर ओन मलाय पीपल. Yes, मलेश को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है चीज़ के लिए. अब तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इतनी होप के साथ ना जाएं. दूसरा, ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि इस तरह के आपको स्टूडेंट लोन मिल जाते हैं, इस तरह आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती हैं. स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती हैं. इतनी होप्स नहीं लगाएं, लेकिन इफ़ यू आर परफॉर्मिंग वेल ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस यू कैन गेट योर स्कॉलरशिप. अच्छा, ठीक है. अब जाने की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? जाने की क्या रिक्वायरमेंट्स है फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम? जाने के लिए यू नीड एन आइल्स. सबसे पहले तो आइल्स दे आवा. ठीक है. आइल्स और क्या बैंड है? आइल्स का बैंड आपका 7 से अबव. 7 अबव. अबव होना चाहिए. और टोफल का स्कोर? टोफल, टोफल मेनली आइल्स इन कंट्रीज में चलता है. टोफल इज फॉर इंग्लैंड एंड कनाडा. ठीक है. अमेरिकन अमेरिकन कनाडा. ठीक है. तो आइल्स चलता है हमारा कहां? आइल्स हमारा ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इन जगहों पे आइल्स चलता है. और टोफिल जो है वो यूएसए एंड कनाडा का है मेनली. ठीक है. अच्छा, ठीक है. वंस यू आर डन विद योर आइल्स, फिर आप जो है यूनिवर्सिटी सर्च करें, आप ऑनलाइन सर्च करें, जाके देखें क्या प्रोग्राम्स हैं वो. अगर आप क्लिनिकल प्रोग्राम्स में जाना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी हमारे यहाँ पाकिस्तान में एचआर ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप एचआर कंसल्टेंट्स के पास जाएं और उन्हें कहें भाई मुझे ये यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, तो वो आपको हेल्प कर देंगे, गाइड कर देंगे. अगर इफ़ यू आर वेरी गुड एट इट, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई टू इट. आप डायरेक्टली ऑनलाइन उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, उनको अप्लाई कर, उनको फिल करें, अप्लाई करें. इट टेक्स अराउंड हार्डली 3 to 4 months पूरा प्रोसेस हो जाता है एंड यू गेट द एडमिशन. और अगर रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम में आप जा रहे हैं, यू नीड टू कॉन्टैक्ट द सुपरवाइजर फर्स्ट, जो कि आपका हेड होगा. हाउ डू यू कॉन्टैक्ट द सुपरवाइजर? रिसर्च सुपरवाइजर, एकेडमिक स्टाफ की पूरी लिस्ट होती है ऑन द वेबसाइट्स. सही है. आप उसके अंदर सर्च करें जो कि विद द पर्सन हु इज रेलिवेंट टू योर कोर्स. ठीक है. सही है. आप उसके जाएं, सर्च करें, आप उसके रिसर्च इंटरेस्ट देखें, सारी चीज़ें. आफ्टर दैट
आप उसको ईमेल करें कि भाई मेरा ये इंटरेस्ट है, आई वुड लाइक टू ज्वाइन योर प्रोग्राम एंड वुड लाइक टू बेनिफिट समथिंग टू द फील्ड ऑफ डेंटिस्ट्री, और उसके साथ अपना आप अपना करिकुलम वाइटे आप पूरा अटैच करके भेज दें. अच्छा मतलब नॉट योर क्वालिफिकेशंस, नॉट योर आपको अपने सर्टिफिकेट्स और वो नहीं भेजना, आपको अपना सीवी भेजना है. सीवी भेजना है विद योर रिसर्च प्रपोजल, एक छोटा सा रिसर्च प्रपोजल बना के. रिसर्च प्रपोजल, यस, अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू हैव ऑप्टेड फॉर. अच्छा एक कॉलेज ही हमारे पास, वो अटेंड करते हैं फिर जी इस कंफ्यूजन पे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. गुड हेल्दी मॉर्निंग. कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस आयशा बोल रही हूँ अटक से. जी मिसेस आयशा, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ. अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारे पोल का सवाल सुना है ना आपने? मैंने अभी प्रोग्राम लगाया था 5 मिनट पहले, तो मैंने जो आपके गेस्ट हैं इनसे जरा कुछ पूछना है. पूछे पूछे जी, जो पूछना है पूछे. अच्छा भाई, ऐसा है कि मैं ना ऑनलाइन पढ़ना चाहती हूँ. अच्छा. और मॉन्टेसरी में आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो इसके लिए क्या तरीकाकार होगा? कौन से सब्जेक्ट में कह रही हैं आप आयशा? ऐसा है, मैंने मॉन्टेसरी में डिप्लोमा की है. अच्छा ठीक है, ओके. मैं मजीद इसको आगे पढ़ना चाहती हूँ. आप इसको मजीद आगे पढ़ना चाहती हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ढूंढ. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है. अच्छा पता है वो क्या, डॉक्टर साहब जो है ना वो डेंटिस्ट हैं. लेकिन वैसे आई कैन गाइड, लेकिन ही कैन ऑलवेज गाइड यू. चलिए ठीक है आयशा, परेशान हो, डॉक्टर साहब बता रहे हैं. ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज. डॉक्टर साहब हेल्प करते हैं बेचारे के. डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, यू कैन गो फॉर दैट प्रोग्राम्स. आप सर्च करें ऑनलाइन जाके, जरूर होंगे मॉन्टेसरी प्रोग्राम्स भी होंगे यूनिवर्सिटीज में, इंग्लैंड में यूनिवर्सिटीज होंगी, बहुत सारी डिफरेंट जगहों पे. आप ऑनलाइन सर्च करें, hotcourses.com एक वेबसाइट है, उस पे जाके आप सर्च करें hotcourses.com. यस, ओके. यू कैन सर्च, वहाँ पे आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी रेलेवेंट टू योर कोर्स, और वहाँ पे आप अपना के कितने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स आप सर्च कर सकते हैं. सही, ओके. हमारे पास भी आई थिंक इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी और इन जगहों पे भी प्रोग्राम्स है ना चीज़ों के, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट ऑप्शन टू. ऑनलाइन डालें जी, गूगल पर डालें इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स प्रोग्राम, तो आपके पास एक लिस्ट खुल जाएगी और आपको उससे पता चल जाएगा कि क्या क्या ऑप्शन आप ले सकती हैं, क्या किसने की कितनी कॉस्ट है और क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं. इसी चीज़ के साथ ही सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया. डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपको इतनी दुआएं लग रही होंगी ना अभी, इतनी दुआएं दिल दिल से निकल निकल के लग रही होंगी ना डॉक्टर साहब को. लेकिन व्यूअर्स यहाँ वक्त हो गया है जी एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, खतरनाक बीमारी में, कॉन्स्टिपेशन में. कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक.